प्रधानमंत्री जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग सभी 8 राज्यों के प्रमुख लोगों से रिपोर्टिंग ली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी की उपस्थिति में, और जो सेवा कार्य लगातार पूरे देश में हुए हैं, वो चाहे मास्क का वितरण का काम हो, खाने के पैकेट वितरण का काम हो, लोगों को पहुंचाने का काम हो, रास्ता चलते लोगों की सेवा का हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, पूरे प्रदेश की रिपोर्टिंग लेने का काम किया। और अंत में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धीरे धीरे इस कोरोना के संकट से निपटने, जनता की सेवा करने में जिस प्रकार गंभीरता दिखाई, और जैसे कार्यकर्ता डिजिटल होते जा रहे हैं, एक शुभ संकेत है कि कार्यकर्ता एक नए स्वरूप में भी पूरी प्रखरता के साथ सामने आके काम किया है, और सेवा का संकल्प जो है वो संकल्प को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री जी बहुत पसंद थे। अभी आने वाले समय में बाकी राज्यों की भी रिपोर्टिंग होनी है। सर, डॉक्टर साहब, ये 16 बैरियर जो है राज्य के परिवहन चौकियाँ जो आपने बंद किया था, 5 से 7 साल फिर से खुल गया आज से, ये हर कदम में वो जितने कदम हम लोगों ने उठाए थे जन सुविधा के दृष्टि से, और एक प्रकार से बैरियर को हटाने का मतलब ये था कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, करप्शन भ्रष्टाचार की बात होती रही, लूट खसोट का तंत्र कहा जाता रहा। अंत में हम लोगों ने कहा कि ये सारी बातों से न केवल परिवहन की रफ्तार कम होती है, बल्कि बैरियर में जिस प्रकार लंबी लंबी किलोमीटर किलोमीटर लाइन लगती है, यात्री के गण भी परेशान होते हैं, और सभी बैरियरों में वही हालत रहता है, तो इसको अंतिम रूप से हमने समाप्त कर दिया था। अब ये कांग्रेस वो सारे काम को उलट रही है, और इसके पीछे मुझे लगता है कि जितने भी कामों में उसको पलट के वापस आने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। जैसे इन्होंने जिस जिस चीज़ का विरोध किया, बैरियर का बहुत विरोध करते थे, बैरियर के प्रदर्शन करते थे, आज बैरियर खोलने के लिए सबसे आगे बढ़ के आ रहे हैं, उसके पीछे मनसा पूरी दुनिया जानती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा विषय, इन्होंने संसदीय सचिव के मामले में बहुत प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश में, बहुत विरोध किया बहुत, और आज वही संसदीय सचिव को वापस नियुक्ति के लिए उनको अच्छा लगने लगा, तो ये रोल बैक करने का काम सभी सरकार के निर्णयों में हो रहा है, ये वापस पलटते जा रहे हैं। और जितने निर्णय हम लोगों ने लिए थे, आज क्या हाईकोर्ट का कोई फैसला आ गया कि संसदीय सचिव के मामले में, वो तो विचाराधीन मामलों में से एक रहा है, तो जिस दिन फैसला आ जाए उस दिन करें, पर आज तो वो विचार के अंदर। सीएम ने कहा है कि सरकारी खजाना खाली हो गया है, केंद्र भी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए भर्ती परीक्षाएं नहीं बढ़ पा रही है। सरकारी खजाना के बारे में, राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य के खजाने की क्या स्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो बोलते हैं कि हमारा GST बढ़ गया, एक तरफ तो बोलते हैं बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन हम कर रहे हैं, राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस हिंदुस्तान में एक नंबर का है, और दूसरी तरफ जब खर्चा करने की बात बारी आती है, जब शिक्षकों की भर्ती की बात होती है, पुलिस भर्ती की बारी होती है, कर्मचारियों के लिए बात होती है, उस समय ये बहाना करते हैं। जब कोरोना के मजदूरों को मदद करने के लिए प्रवासी मजदूरों को पैसे देने की बात होती है, क्वारंटाइन सेंटर को बेहतर करने की बात होती है, उस समय गरीबी दिखाते हैं, और बाकी विषयों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति क्या इससे करोड़ों रुपया का खर्चा तत्काल नहीं आएगा, क्या इसको टाला नहीं जा सकता था, ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए इतनी तत्परता क्यों दिखाई जा रही है, जिसमें इलाज के लिए मरीजों के लिए आप चिंता नहीं कर सकते, मगर नए पद भरे जा रहे हैं, निगम मंडल पूरे भरे जा रहे हैं, कई सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें निगम मंडल की नियुक्ति में और नए पद स्थापना में लगेंगे। ये एक और बयान दिया है मुख्यमंत्री ने कि आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, लेकिन आप प्रदेश तक के सीमित हैं। ये अजीब तर्क है। अरे मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, और प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ छत्तीसगढ़ का,
और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष में मुझे भूपेश बघेल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे आएंगे, जितने अन्याय अत्याचार के मुद्दे आएंगे, जितना शोषण का मुद्दा आएगा, छात्रों के ऊपर हो, पुलिस कर्मियों के ऊपर हो, शिक्षा कर्मियों के ऊपर हो, आम आदमी पे हो, या हमारे कोरोना मरीजों पे, या सरकार के लूट जिस प्रकार से मचा है, ऐसा हिंदुस्तान के किसी राज में अंधेर गर्दी नहीं चल रही है। रेत के माफिया जिस प्रकार गुंडागर्दी में उतर आए हैं और रेत को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडों ने कब्जा करके रखा है, चार गुना ज़्यादा कीमत में रेत बिक रहा है, गली गली में चर्चा है, बातचीत है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। होटल और पांठेला वाला बता देगा कि क्या हालत है। शराब की जिस प्रकार अवैध बिक्री हो रही है, एक एक दुकान से जिस प्रकार अवैध रूप